आगे बढ़ते हैं। अब्बास निखत मामले में कई सपा नेताओं पर शिकंजा कस सकता है, यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। अब्बास से मिलने वाले कई नेताओं के रिकॉर्ड की जांच संभव है। एक और बड़ी जानकारी, अब्बास पर व्यापारी को धमकाने का भी आरोप है और व्यापारी की शिकायत के बाद ही डीएम और एसपी ने छापा मारा था, यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी। अब्बास चित्रकूट जेल में अलग कमरे में वक्त बिताता था, व्यापारी ने शिकायत की उसके बाद डीएम और एसपी ने छापा मारा था, यह सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट हमारे पास। और अब इस मामले में कई सपा नेताओं पर शिकंजा कस सकता है, अब्बास से मिलने वाले नेताओं के रिकॉर्ड्स की जांच की जाएगी, यह भी खबर हमें मिल रही है। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं चित्रकूट से हमारे संवाददाता जियाउल हक और वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे इस बाबत। जियाउल, क्या जानकारी है आपके पास? और आपको बता दें कि 10 तारीख को अब्बास अंसारी की पत्नी को जेल से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद लगातार पुलिस अभी भी उससे जुड़े हुए लोगों की तलाश कर रही है। कौन चित्रकूट में उसके परिवार को शरण दे रहा था, कौन कमरा दिलवा रहा था और कौन कौन मिलवाने में शामिल था, इसको लेकर के पुलिस लगातार अभी भी जांच कर रही है। बहुत जल्द हो सकता है कि सपा के कई बड़े चेहरे सामने आएंगे जिन पर पुलिस शिकंजा कसेगी, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि जैसा कि पूर्व में भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जेल के प्रशासनिक अधिकारियों को अब्बास अंसारी के परिवार ने काफी महंगे गिफ्ट, यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि इनोवा कार भी गिफ्ट की थी, जिसके बाद से जेल प्रशासन ने अब्बास के परिवार के सामने घुटने टेक दिए थे और वो वही गिफ्ट की वजह से वहाँ पे जेल में इनके परिवार ने उस जेल को होटल में तब्दील कर दिया था। कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे, लेकिन कोई रोक टोक और कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ करती थी, जिन सबको ले करके जेल प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों जेल के रिकॉर्ड को सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगा हुआ है। जी, ये इसका मतलब आप बता रहे हैं जियाउल हक के तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं, सीसीटीवी कैमरास जेल के खंगाले जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, कौन कौन मिलने आता था, किससे बात होती थी, तो ये माना जाए कि बहुत जल्दी कोई और बड़ा एक्शन हो सकता है। जी, बहुत जल्द उम्मीद पाई जा रही है कि जिला प्रशासन जिस तरीके से पहले भी इस मामले में गोपनीयता बरतते हुए यहाँ तक कि प्राइवेट वाहन से जा करके छापा मारा था, सेम उसी तरीके से उसी तर्ज में, चूंकि जो चित्रकूट की एसपी वृंदा शुक्ला हैं और जो डीएम है अभिषेक आनंद, उन दोनों ने बहुत ही संजीदगी दिखाते हुए बहुत ही सही तरीके से सही ढंग से अपनी चीजों को रखते हुए किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी और चुपचाप जाकर के छापा मारा था, उसी तर्ज पे जिला प्रशासन फिर से अंदरूनी तरीके से गोपनीय तरीके से फिर एक जो है बड़ी जांच कर रहा है, जिसकी किसी को कानों कान भनक नहीं है। हो सकता है कि 24 से 48 घंटे में कोई बड़ी तस्वीर सामने आए। वहीं जिला प्रशासन ने मांग की थी जेल प्रशासन से अब्बास अंसारी के जेल को बदलने की, हो सकता है कि 24 से 48 घंटे में जेल अब्बास अंसारी की बदलने की मंजूरी मिल जाए और जिला प्रशासन उसके लिए पूरी तैयारियां कर चुका है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप जियाउल हक, क्या जेल भी बदली जा सकती है अब्बास अंसारी की, इस बारे में मांग भी की गई है और 24 से 48 घंटे के भीतर ये भी हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका जियाउल हक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्बास निखत मामले में कई सपा नेताओं पर शिकंजा कस सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, जांच की जा रही है और डीएम और एसपी ने व्यापारी की शिकायत के बाद छापा मारा था। अब्बास चित्रकूट जेल में अलग कमरे में वक्त बिताता था, छापा मारने के बाद अफजाल अंसारी का यह कहना है, बचाव किया गया है, दावा किया गया है कि निखत जेल में पर्स लेकर गई ही नहीं थी, निखत के साथ जो महिला गई थी पुलिस ने उससे पर्स लिया था। अब्बास से मिलने वाले नेताओं के रिकॉर्ड की जांच होगी, लेकिन इस बीच में अफजाल अंसारी ने निखत का बचाव किया है, निखत को फंसाया गया है, यह कहना है अफजाल अंसारी का, सांसद है गाजीपुर से, कह रहे हैं निखत अपने साथ पर्स लेकर नहीं गई थी। देखिए क्या कह रहे हैं। डिजिटल डायरी में क्या था ना था, डायरी उनकी है, रजिस्टर उनका है, जेल उनका है, परिसर उनका है, वो मिलने गई है, ये सत्य है।
अब कोई महिला है, अगर उसके हाथ में कंगन है, उसके गले में सिकड़ी है, उसके कान में बाली है, आभूषण भी मिला है। कहा आपसे कि उसकी एक सहायिका जो बच्चे को खिलाती है वो वहीं गेट पर साथ में थी, बच्चा उसकी गोद में था, और इसका जो लेडीज पर्स होता है वो भी उसी लड़की के पास था। वो लड़की अंदर नहीं गई थी मिलने के लिए, लेकिन जब हाकिम लोग वहां पहुंचे हैं कोई कार्रवाई करना है तो वो सब कुछ उस लड़की से ले लिया गया, और उसके अंदर से मोबाइल फोन भी मिल गया और जेवर भी मिल गया, 21,000 रुपया भी मिल गया, और उसको उसके पास से या जेल के भीतर से बरामद होना दर्शा करके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।